आज हम लोग एमएस एक्सेल में बैटरी बनाना सीखेंगे। बैटरी एक प्रकार का 3D प्रैक्टिकल है। ओरिजिनल बैटरी की तरह ही वर्क करेगा, जैसे उसमें 3D में दिखाया जाएगा कि ये चार्ज हो रहा है, ये कैसे कैसे वर्क कर रहा है। तो इसी चीज़ को आज हम लोग एक्सेल शीट पे बनाकर सीखेंगे कि उसको यूज कैसे करेंगे, कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम मर्ज सेंटर कर लेते हैं, सेल सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद मर्ज सेंटर करेंगे। अब हम लिखेंगे यहाँ पर बैटरी, बैटरी लिख लेंगे, थोड़ा सा हेडिंग को बोल्ड करके लेटर फॉन्ट साइज का इंक्रीज कर दे रहे हैं ताकि अच्छे से दिखे। दिख रहा है हमारा क्या प्रकार का, एक प्रकार का बैटरी लिखा हुआ है, प्रकार से थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। इसको लिखने के बाद से हम लोग यहाँ पर डेवलपर फंक्शन पे आएंगे। डेवलपर फंक्शन पर आने के बाद से इंसर्ट पर आएंगे। इंसर्ट में आने के बाद से ये बटन है, इस बटन को क्या करेंगे हम लोग, सेलेक्ट करेंगे। बटन सेलेक्ट करने के बाद से माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके इस बटन को हम लोग ड्रा करेंगे। माउस का लेफ्ट बटन प्रेस रखेंगे तभी ड्रा करेंगे तो ड्रा होगा। उसके बाद से माउस का लेफ्ट बटन छोड़ देंगे। एक प्रकार का बटन हमारा ड्रा हो गया। अब इस बटन पर आना है और हमको राइट क्लिक करना है। बटन पर आएंगे, बटन पर आने के बाद से राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद से आपको फॉर्मेट कंट्रोल पे आना है, इंटर प्रेस करना है इस पर, या फिर माउस से लेफ्ट क्लिक ओके प्रेस करेंगे। उसके बाद से हमारा मैक्सिमम वैल्यू दिख रहा है। जानते हैं कि हमारा जो मोबाइल चार्जिंग या फिर किसी प्रकार की बैटरी का चार्जिंग परसेंटेज होता है वो 100% ही होता है, 300 या फिर नहीं होता है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, 100 करेंगे, 100 करेंगे। उसके बाद से सेल लिंक करेंगे। सेल लिंक करने के लिए यहाँ पर आएंगे और इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद से हम एक सेल सेलेक्ट करेंगे, मान लीजिए हमारा सेल नंबर 2 सेलेक्ट कर रहे हैं। सेल नंबर 2 सेलेक्ट करने के बाद से फिर से इस पर आएंगे, क्लिक करेंगे, उसके बाद से देन ओके कर देंगे। ये हमारा अभी यहाँ पर कुछ नहीं दिखा रहा है, लेकिन जब बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा 1 2 3 4 इस प्रकार से नंबर को दिखाएगा। इससे हम देख सकते हैं कि हमारा जो ये बटन है बना हुआ ये वर्क कर रहा है। अगर इस प्रकार से बटन में प्रेस करने पर वर्क नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है कुछ गड़बड़ होगा, हो रहेगा होगा, उसे आप लोग पुनः देख करके सही करेंगे। उसके बाद से इतना होने के बाद से आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे अपर कैप। क्या लिखेंगे, अपर कैप, अपर कैप। उसके बाद से SL लिखेंगे, उसके बाद से रिमेनिंग लिखेंगे, उसके बाद से लोअर कैप लिखेंगे। ये हेडिंग इस प्रकार से कुछ लिख लेंगे, जिससे कि आप अगर बना रहे हैं 3D मॉडल में बैटरी तो उसमें दर्शाने के लिए ये जरूरी है। तो अपर कैप में उसका ऊपर का कवर, लोअर कैप में लोअर का कवर, उसके बाद SL रहेगा सिलेक्शन के लिए, उसके बाद से चार्जिंग होगा, ये सब चीज़ों का डिटेल दिखाया जाएगा। मान लीजिए उसके ऊपर का कवर 2 नंबर पर है। SL में आएंगे, SL में लिखेंगे यहाँ पर इक्वल टू, उसके बाद से आएंगे ये जो 1 नंबर लिखा है इसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद से ओके कर देंगे या फिर इंटर प्रेस कर देंगे। रिमेनिंग पर आएंगे, इक्वल टू लिखेंगे, 100 लिखेंगे, माइनस करेंगे और क्या करेंगे, SL को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद इंटर प्रेस कर देंगे। फिर लोअर कैप पर आएंगे, लोअर कैप को भी सिलेक्ट करने के बाद से यहाँ पर भी 1 या 2 लिख करके इंटर कर देंगे, जो कि हमारा नीचे का कवर रहेगा। अब इस प्रकार लिखने के बाद से हम इसको क्या करेंगे, पूरा सेलेक्ट करेंगे, जितना लिखे हैं इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर दिख नहीं रहा है, इसको थोड़ा सा और बढ़ा दे रहे हैं ताकि अच्छे से दिखे। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको पूरी तरह से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद से हम क्या करेंगे, इंसर्ट पर आएंगे। इंसर्ट पर से हम लोग क्या, कहाँ पर आएंगे, कॉलम पर आएंगे। उसके बाद से हम सिलेंडर पर आएंगे। सिलेंडर में हम लोग थर्ड वाला सिलेंडर सेलेक्ट करेंगे। इस प्रकार से हमारा सिलेंडर सेलेक्ट हो जाएगा। सिलेंडर हम देख सकते हैं।
उसके बाद से हम सीच रो कॉलम आसन को सिलेक्ट करेंगे। इस प्रकार से हमारा जो सिलेंडर बना रहेगा वो 3D में इस प्रकार से बन करके आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद से हम ये जो परसेंटेज लिखा है इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं या फिर उसी को सेलेक्ट करेंगे फिर से इस प्रकार से, और कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो भी डिलीट हो जाएगा। उसके बाद से ये भी इसको भी डिलीट कर देंगे। ये जब इस प्रकार से डिलीट हो जाएगा, थोड़ा सा इसको और बड़ा कर दे रहे हैं ताकि और अच्छे से दिखे, बड़ा कर दिए। अब इसका हम देखेंगे कि ये वर्क कैसे करेगा। इतना होने के बाद से ये जो इसको बटन को प्रेस करके देखेंगे कि हमारी बैटरी चार्ज हो रही है कि नहीं, इस प्रकार से देखेंगे हमारी बैटरी ऊपर की ओर बढ़ रही है। अब हमें पता करना है, इसके बाद से ये हमारा इतना हो गया। मान लीजिए इसको अभी कलर थोड़ा सा हल्का कर दे रहे हैं, लाइट करने के लिए कलर क्या करेंगे, इस पर आएंगे, सेलेक्ट करेंगे, माउस के लेफ्ट क्लिक को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद से इस पर राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद से फॉर्मेट डाटा सीरीज पर जाएंगे। फॉर्मेट डाटा सीरीज पर जाने के बाद से फिल पर आएंगे, फिल में सॉलिड फिल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आएंगे सेलेक्ट कलर, वहाँ पर एक लाइट कलर सेलेक्ट कर लेंगे लाइट कलर। उसके बाद से इसका ट्रांसपेरेंसी कम से कम 50 कर देंगे ताकि हल्का हल्का दिखे, बस 50 कर देंगे। उसके बाद से इसको यहाँ से कट कर देंगे, ये हमारा हल्का हल्का दिख रहा है। अब हम देखेंगे कि हमारा जो चार्ज होगा अच्छे से दिखाई देगा। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर आएंगे कि हमारा ये कितना चार्ज हो रहा है, इस पर राइट क्लिक करेंगे, ऐड डाटा लेबल्स पर आएंगे, उसका से क्लिक करेंगे, ये हमारा दिखा रहा है कि 44% चार्ज है। इस चीज़ को देखने के लिए हम लोग 44 अब बढ़ाएंगे इसको, तो जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं हमारा देखिए चार्जिंग बढ़ रहा है और जो खाली स्पेस है वो घट रहा है। कभी भी बैटरी बनेगा तो इसका इसी प्रकार से बनेगा, और घटेगा तो फिर दिखाएगा कि आपका कितना परसेंट बचा हुआ है। इस प्रकार से हम बैटरी को MS Excel में 3D के रूप में बना सकते हैं। और ये अगर कुछ चेंजिंग वेंजिंग करना चाहते हैं तो जैसे ये कलर हुआ, या फिर इस कलर को अगर चेंजिंग करना चाहते हैं तो हल्का में लाइट में कर सकते हैं। इस प्रकार से हम बैटरी को 3D में MS Excel पर बनाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें।